दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता है और कांच का अगर कोई खिलौना है तो उसे उछाला नहीं जाता है। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला भी नहीं जा सकता है। एक गरीब घर में जन्म लेने वाला बच्चा बचपन में पढ़ाई के साथ साथ चने बेचने का काम करता था। इस काम में उसका गुजारा नहीं होता था, इसलिए उन्होंने 7th class की पढ़ाई करके उस पढ़ाई को छोड़ दिया और मुंबई की सड़कों पर पेन बेचने का काम किया। यह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा तो करना चाहते थे, क्योंकि जब सड़कों पर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते थे तो लगता था कि मेरे पास भी हो, लेकिन अपनी मंजिल से बहुत दूर थे, भटके हुए थे। इन्होंने जैसे तैसे करके हैदराबाद जाने का फैसला किया, या इन्होंने कॉमेडी और एक्टिंग सीखने के बाद मुंबई आकर छोटे छोटे स्टेज शो और रोल प्ले किए। एक दिन एक स्टेज शो के दौरान मशहूर एक्टर सुनील दत्त की नजर इन पर पड़ी और उसके बाद इन्हें फिल्में मिलने लगी और देखते देखते ये कॉमेडी के स्टार बन गए और इनका नाम है जॉनी लीवर। इसलिए वो माँ बाप जो ये सोचते हैं कि उनके बच्चे क्रिकेट नहीं खेल सकते, उनके बच्चे एक्टिंग नहीं कर सकते, एक बार अपने बच्चों पर विश्वास तो कर देखिए, वो आपके और अपने सपने जरूर साकार कर दें, क्योंकि हौसले बनाए रखने चाहिए और तुम्हारे हौसले के आगे मुसीबत और कुछ भी नहीं है, ये सोच रखनी चाहिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं 8 अगस्त रविवार, पुष्य नक्षत्र का वार, हरियाली अमावस्या का वार और इस विशेष राशिफल के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हर राशि के बाद मैं हरियाली अमावस्या के अनुसार राशि अनुसार उपाय आपको बताऊंगा, जिसे नोट करें अपनाएं। प्रिय साथियों, रोजाना जो लोग कमेंट करते हैं अपने डेट ऑफ टाइम प्लेस और अपने प्रश्न के साथ, उनमें से एक कमेंट का जवाब मैं हर बार देता हूं। आज देखिएगा, क्या पता आपका जवाब आ जाए और वापस कमेंट जरूर करिएगा। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आज मैं पुणे महाराष्ट्र में हूं, पर्सल मिलना चाहते हैं आप सभी का स्वागत है। 14 अगस्त दिल्ली और 15 अगस्त को कोलकाता में रहूंगा, पर्सल मिल सकते हैं। हमने राखी रक्षा सूत्र का निर्माण किया है और उसे श्रावण मास में अभिमंत्रित किया है, जिसे इसलिए तैयार किया क्योंकि अब बहन भी अपने भाई की कर सकेगी रक्षा और इस रक्षा सूत्र को सभी बहनें प्राप्त कर सकती है जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके। चंद सेकंड प्रिय साथियों, आप लोगों चाहूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग में। आज शाम को 7:19 तक अमावस्या तिथि और बाद में प्रतिपदा तिथि रहेगी और आज ही सुबह 9:18 तक पुष्य नक्षत्र और बाद में आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। और मैंने पुष्य नक्षत्र पर एक विशेष एपिसोड भी दिया, जिसे लिंक में हम शेयर कर रहे हैं, आप उसे जरूर देखिएगा। प्रिय साथियों, आज ग्रहों से बनने वाले विशेष राजयोग कल की तरह वाश योग, आनंद आदि योग, बुध आदित्य योग, सुनफा योग का साथ मिलेगा। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग का लाभ मिलता रहेगा और आज भी चंद्रमा अपने ही घर कर्क राशि में रहेंगे। शुभ कार्यों के लिए अगर शुभ समय की तलाश में है तो अभी पिछले 2 दिन से 2 बार ही शुभ समय मिल रहा है और आज भी 2 बार ही है। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 तक लाभ और अमृत का चौघड़िया है और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौघड़िया। कोशिश करेगा कि दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। 6 राशि का जब आज आप राशिफल देख लेंगे तो अपने सौभाग्य को बनाए रखने के लिए, सौभाग्यशाली बने रहने के लिए एक विशेष उपाय बताऊंगा। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि क्यों नर्मदा नदी का हर पत्थर है शिवलिंग, इसका जवाब मैं कार्यक्रम के अंत में दूंगा। आइए राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि से करते हैं। आपको 2 माह से आज आशीर्वाद देना है। एक, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, पैर दबाइए, उनकी सेहत और हालचाल को आप जानिए, उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करिए। दूसरा, जो माँ दुर्गा है उनकी आराधना करके ही घर से निकलिए। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और ऐसे लोग जो सर्विस प्रोवाइडर है, कोई सर्विस स्टेशन चलाते हैं, गैस स्टेशन चलाते हैं, मैकेनिक का कोई काम करते हैं या गवर्नमेंट टेंडर की आपकी आस है, तो आज आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बीच आ रही प्यार, इश्क और मोहब्बत की तकलीफें आज सॉल्व हो जाएगी और काफी हद तक आप बिजी रहेंगे। बहुत से लोग स्वयं की ताकत से अनजान होते हैं, इसीलिए जिंदगी की समस्याओं से परेशान होते हैं। वर्क प्लेस पर सीनियर्स आपके कार्य से अनसेटिस्फाइड हो सकते हैं, आपको अपने कार्य की तरफ खुद ध्यान देना पड़ेगा। जब आप अपने काम पर खुद ध्यान देते हैं तो लोग भी आपकी तरफ ध्यान देते हैं कि आप कैसे काम कर रहे हैं। सोशल लेवल पर आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए कोई भी ट्वीट करते समय, कुछ भी सोशल मीडिया पर लिखते समय, कुछ फॉरवर्ड करते समय ध्यान रखें, कहीं नेगेटिविटी ना बढ़ जाए। फैमिली में किसी मेंबर की बात आपको अपसेट कर सकती है। ज्वाइंट पेन,
गर्दन, कंधा, पीठ और पैरों की तकलीफ बढ़ सकती है, ध्यान रखिए। फैशन, पैशन, हॉबीज को अपनाकर या फिर फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, मल्टीमीडिया क्रिएटिविटी, ऐप डिजाइनर, वेब डिजाइनर, अपने असाइनमेंट पर ध्यान दीजिए, अपने टास्क एजेंडा पर ध्यान दीजिए, अगर वो काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं पूरा ध्यान दीजिए। प्रिय साथियों, 8 अगस्त हरियाली अमावस्या पर आप लाल राई और सरसों का तेल किसी गरीब को दान दें और पीपल का, नीम का और आंवले का वृक्ष जरूर लगाएं। लकी कलर पर्पल, नंबर 2 शुभ रहेंगे। वृषभ राशि, छोटी हो या बड़ी हो, भाई हो या बहन हो, खुशी की खबर आप लोग जनरेट जरूर करेंगे। आपके भीतर लीडरशिप क्वालिटी है, समय और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, बस मौका देखते चौका लगाने की कमी है, उस पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर आप अपने कलीग, ऑफिस के एनवायरमेंट और अपने बॉस के प्रति पॉजिटिव रहें। अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए जॉब प्रपोजल हाथ लग सकते हैं, आज अप्लाई करना बहुत शुभ रहेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ कहीं बाहर डिनर की, वीकेंड की, संडे को फंडे बनाने की प्लानिंग हो सकती है, आज कुछ अच्छा खरीदने का मौका मिलेगा, चूकिएगा मत। परिवार में आ रही समस्याओं का आप आसानी से तो नहीं लेकिन फेस करके कोई ग्रुप डिस्कशन से समस्या के सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे, और हर समस्या के मूल में कई अवसर छुपे होते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल ट्रेवल आपके इनकम सोर्स में इजाफा कर सकती है। सेहत के मामले में आप पहले से बेटर फील करेंगे। 8 अगस्त हरियाली अमावस्या पर आप गौशाला में गाय बछड़ों को या गाय बछड़ों के लिए कुछ डोनेट कर सकते हैं। आज आपके लिए शमी का पौधा लगाना, पीपल वृक्ष का पौधा लगाना, जहां पर पौधा लगा हुआ है वहां पर कुछ जीर्णोद्वार करना शुभ रहेगा। लकी कलर ग्रे, नंबर 7 शुभ रहेंगे। मिथुन राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म, स्पिरिचुअलिटी, दान, समाज परिवार के लिए कुछ अच्छा करने का मौका जरूर हाथ लगेगा, चूकिएगा मत। स्टेशनरी बिजनेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, जो लोग कागज का काम करते हैं, ऐसे लोग जो कि गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऑस्पिशियस डे आज उनके लिए है। वर्क प्लेस पर आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए सीनियर्स और बॉस आपके काम की सराहना जरूर करेंगे। फैमिली के लिए समय निकालिए और आज एक अच्छा मैकेनिक आपके भीतर जाग जाएगा, कुछ घर की चीजें, टूट फूट की चीजें ठीक करने का मौका मिलेगा। परिवार साथ रहने से नहीं बल्कि साथ जीने से बनता है। सोशल लेवल पर स्वयं को आजमाने के लिए यह समय उपयुक्त है, आपको काफी सफलता मिलेगी। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर हर बात पर आपसे सहमत हो जाए ये जरूरी नहीं है, आप भी सहमत होइए, दोनों बीच में बॉन्डिंग बनाकर चलिए। ऑफिशियल ट्रेवल हो सकता है, परिवार को भी साथ ले लीजिए, आज संडे को फंडे बनाने का भी मौका मिलेगा और बिजनेस विद प्लेजर भी हो जाएगा। सेहत के प्रति अवेयर रहें, हो सके तो एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर लीजिए। 8 अगस्त हरियाली अमावस्या पर तालाब में मछलियों के लिए आटे की गोलियां बनाकर डालना चाहिए और साथ में जहां पर भी आपको मौका मिले कम से कम परिवार का एक सदस्य नीम का पेड़ आज जरूर लगाए। लकी कलर व्हाइट, नंबर 1 शुभ रहेंगे। कर्क राशि, चंद्रमा तो आपके घर में, मन चंगा तो कटौती में गंगा, आज मन को शांत रखिए, जितना मौन रहोगे उतना अच्छा रहेगा और अपने सेल्फ एसेसमेंट से, रिसर्च वर्क से आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेंगे। रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस हो या कोई और प्रकार के बिजनेस हो, उस समय आपके पक्ष में आने वाला है। वर्क प्लेस पर कुछ चैलेंज और चेंजेस आपके पक्ष में हो सकते हैं। होटल मैनेजमेंट और जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हो या फिर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो, आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और धारा प्रवाह काम करते रहे, दिल लोगों का जीत लेंगे। अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लेकर आइए, कमी और गलतियों को ठीक करिए। शब्द भी क्या चीज है, महके तो लगाव और बहके तो घाव दे देते हैं। फैमिली में आपके रिलेशन सभी के साथ अच्छे बने रहेंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में वीडियो कॉलिंग के मिलकर संडे को फंडे बनाने का, लॉन्ग ड्राइव पर जाने का आज मन कर सकता है। किसी के बहकावे में आकर पैसा मत इन्वेस्टमेंट करिए। सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में रहे, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शॉर्ट ट्रिप की प्लानिंग बन सकती है। 8 अगस्त को हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर सुखमय लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन के लिए शिवलिंग पर कच्चे दूध चढ़ाना फलदायी रहेगा और इसके साथ ही मीठे चावल बांटना भी शुभ रहता है। बिल्व पत्र का पौधा किसी भी शिवालय में जरूर लगाइए। लकी कलर गोल्डन, नंबर 7 शुभ रहेंगे। सिंह राशि, आज दूर दराज में सोशल मीडिया हो या किसी से मिलकर नए कॉन्टैक्ट बनेंगे और अपनी डायरी में ढूंढिए उन लोगों को जो पहले कोई जमाने में आपसे संपर्क ज्यादा करते थे और आज वो कहीं भूले बिसरे गीत हो गए हैं। वापस नए कॉन्टैक्ट के साथ साथ पुराने लोगों से भी बिल मुलाकात करिए और क्या पता कब कौन सा कॉन्टैक्ट आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे जाए। बेकार एडमिनिस्ट्रेशन के चलते आप अपनी
और अपनों के लिए कोई मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी में आपको कुछ आता नहीं है और फिर भी आप हाथ आजमाते हैं तो आप फंस जाएंगे, इसलिए कुछ न कुछ सीखना शुरू करिए। मोहताज मत बनिए, अपने आप को निडर बनाइए और अपने आप के बारे में सोचिए, यस मैं ये सीख करूंगा। और एक बात याद रखिएगा, असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और हमेशा सुधार करो। वर्क प्लेस पर किसी काम को करने के लिए आपको किसी और का सहारा लेना पड़ सकता है। चेस्ट पेन, हाई ब्लड प्रेशर परेशान करेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर की कोई बात आपको चिंता में डाल देगी। फैमिली में किसी की कंपनी की कमी आपको महसूस होगी। MBA और HR और फाइनेंस में जो मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कुछ तकलीफ वाली खबर आ सकती है, या हायर स्टडीज के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए तकलीफ वाला दिन हो सकता है। ट्रैवल के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करें। हरियाली अमावस्या पर गरीबों को अनाज दान करने और दुर्गा माता को लाल रंग के पुष्प चढ़ाने के साथ साथ आपको 7 पेड़ आज लगाने चाहिए। लकी कलर नेवी ब्लू, नंबर 3 शुभ रहेंगे। कन्या राशि, आमदनी में वृद्धि होना, पैसे से पैसा कमाना, परिवार के साथ बैठकर बात करिए, दोस्तों के साथ बैठकर बात करिए कि आने वाले दिनों में आपके लिए कौन सा खर्चा बढ़ने वाला है, उस कर्जे के लिए हम कैसे उसको कम कर सके, इस पर रूपरेखा बनाए, बात करिए। आपका कॉन्फिडेंस आपके बिजनेस की ग्रोथ में इजाफा करेगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन भी जाता है, इसलिए अपने ऊपर विश्वास करिए, अपनों के आशीर्वाद पर विश्वास करिए। वर्क प्लेस पर आ रही कुछ समस्याओं का द एंड होने से आपकी टेंशन आज कम हो जाएगी। फैमिली में बड़े होने पर कुछ नई जिम्मेदारी भी मिलती है, तो बड़ा भी हो चुके हैं और नई जिम्मेदारी लीजिए। छोटे बच्चों पर, छोटे लोगों पर जो परिवार में आपकी उम्र से कम है उन पर ध्यान दीजिए। सेहत के मामले में दिन अच्छा है। किसी ड्रीम प्रोजेक्ट पर आपके लिए काम आज हो सकता है, ट्रेवल भी हो सकता है और प्लान भी बन सकता है। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जर्नलिज्म हो, मास कम्युनिकेशन हो, ऐसे स्टूडेंट को आज बहुत अच्छा मौका मिल सकता है पढ़ाई के साथ साथ कहीं काम करने का। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में कई दिनों से चल रही लंबी दूरी की बातचीत अब मिलन में तब्दील हो जाएगी, यानी कहीं मिल नहीं पाए तो आज मिलन हो सकता है। 8 अगस्त हरियाली अमावस्या पर आज आपको अपने जान पहचान में तुलसी के पौधे बांटने चाहिए और साथ ही बरगद के पेड़ को लगाना चाहिए और जहां लगा हुआ वहां जल अर्पित करना चाहिए। लकी कलर पिंक, नंबर 5 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, आइए 6 राशि के बाद बात करते हैं। अगर आप सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं, सौभाग्य आपके जीवन में दस्तक दे जाए, इसके लिए विशेष उपाय बता रहा हूं। आज सुबह जब आप नहाएं तो नहाने के जल में थोड़े से तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सूर्य को तांबे के लोटे में कुमकुम, लाल पुष्प, तिल और गंगा जल मिले हुए जल से अर्घ्य देते हुए मंत्र ओम गृहिणी सूर्याय नमः 108 बार जाप करें। अनाथ आश्रम में बच्चों के लिए गुड़ और तिल से बनी हुई मिठाई और कहीं पर भी संभव हो सके तो बारिश का मौसम है, छाता, रेनकोट और ऐसी चीजें जो बरसात के मौसम में काम आ सकती है गिफ्ट करें। साथ ही 5 या 11 सुहागन स्त्रियों को अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ गिफ्ट करें। संध्या समय में तिल से बने हुए व्यंजन पूरे परिवार के साथ खाइए, मजा आ जाएगा। आइए बात करते हैं तुला राशि की। आपका क्या जॉब है, आप क्या काम करते हैं, दिन भर आप किस काम से जाने जाते हैं, उस काम में और परफेक्शन लाइए और उसमें प्रमोशन मिलेगा। मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट के बिजनेस या जॉब करने वाले लोगों के लिए, या जो लोग क्लिनिक चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं या डॉक्टर है, उन लोगों के लिए आज पहले से बेटर रिसर्च करके आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। वर्क प्लेस पर टीम वर्क से प्रोजेक्ट को पूर्णता की ओर बढ़ाएंगे। अपने आप को ऊपर देखने के लिए आपको दूसरों से या दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करनी चाहिए, यही एक अच्छे टीम वर्क की ताकत हो सकती है। फैमिली में कुछ नई चीजों पर बातचीत चल रही है, हो सकता है आपकी वजह से आज किसी की नौकरी चली जाए, ऐसा कोई काम मत करिएगा। अहंकार, गलत जुबान का इस्तेमाल आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है। हाई और लो ब्लड प्रेशर, जिन लोगों को ऑलरेडी मानसिक तनाव ज्यादा रहता है उन लोगों के लिए आज दिन ठीक नहीं है, सेहत को लेकर ध्यान रखिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग शेयर करिए। सोशल लेवल पर सौहार्दपूर्ण समय बनाइए, माहौल बनाइए, संडे को फंडे बनाइए, एक मैकेनिक आपके भीतर जागृत होगा। लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और एंजॉय जरूर करेंगे। जो लोग मास्टर्स डिग्री की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं, कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज का दिन बड़ा शुभ है। और जो लोग फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रहे हैं, साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आज तकलीफ आ सकती है। 8 अगस्त हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर आज आपको 7 पेड़ पौधे लगाना चाहिए, उसमें शमी, आंवला, पीपल, नीम, बरगद शामिल हो तो मजा आ जाएगा।
आज के दिन शिव मंदिर में पूजा अर्चना करना लाभकारी साबित होगा। इसके साथ ही गरीब जरूरतमंद कन्याओं को मीठी चीजें, उनके काम की चीजें गिफ्ट देना और उनसे आशीर्वाद देना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 1 शुभ रहेंगे। वृश्चिक राशि, अपने ज्ञान, नॉलेज, IQ, EQ लेवल पे, अपने इंटेलिजेंस में आज इजाफा करने का मौका मिलेगा। कुछ पढ़ने का मौका मिलेगा, कुछ लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। पुराने जो भी कॉन्टैक्ट्स है उनकी वजह से आज आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, न्यू डील मिल सकती है। सरकारी टेंडर कैसे भरे जाए इसके लिए आज आपको रूपरेखा बनानी चाहिए। ऐसे लोग जो किस्मत के घोड़े पर सवार है वो आपको कोई काम दे सकते हैं। मेल मुलाकात बढ़ाइए। वर्क प्लेस पर को वर्कर से मदद मिल सकती है। फैमिली में सभी की कंपनी आज आपको आनंद देगी। सोशल लेवल पर आपकी समझ से आपकी पोस्ट करनी आनी चाहिए आपको, वरना एक गलत पोस्ट, एक गलत चीज फॉरवर्ड, गलत कुछ लिख लेना झगड़ा फसाद दे सकता है। ध्यान रखिए, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, क्रिएटिविटी, फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, ऐसे लोग जो प्रोडक्शन करते हैं या राइटर हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर से आज आपके रिलेशन ज्यादा बेहतर होंगे। ट्रैवल से आपको कुछ तकलीफ आ सकती है। पर्सनल ट्रैवल और प्रोफेशनल ट्रैवल संभव जरूर है, लेकिन पूरी रूपरेखा बनाकर ट्रैवल करिए। 8 अगस्त हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर आप पीपल का पहले तो पेड़ लगाएं, उसमें जल अर्पित करें, पितरों को याद करें, लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। और साथ ही शाम के वक्त दीप दान, दीपक का दान करना शुभ फलदायक माना जाता है। लकी कलर ब्राउन, नंबर 8 आपके लिए शुभ रहेंगे। धनु राशि, आज यात्रा के समय हो सकती है कोई तकलीफ, जहां तक हो सके अपने शहर में भी कम यात्रा करें, और करें तो पूरी सतर्कता के साथ। होटल एंड रेस्टोरेंट, फूड एंड बेवरेजेस, डेयरी प्रोडक्ट, फार्मिंग और ऐसे काम जो कि कहीं ना कहीं डेली नीड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बड़े मुनाफे का दिन है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर से मौन व्रत में ही बात करें तो ज्यादा अच्छा, वरना झगड़ा हो सकता है। वर्क प्लेस पर बढ़ा हुआ वर्कलोड आपके सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। ऑफिशियल ट्रैवलिंग हो सकती है, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, और आप किसी कारण से अगर ट्रैवल नहीं कर सकते तो अपने आदमी को भेजिए, पर काम जरूर करिए। फैमिली में किसी की सेहत को लेकर कोई लापरवाही आपके लिए बुरी बन सकती है या फिर कोई मुसीबत ला सकती है, ध्यान रखिए। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि चेस्ट पे पेन होता है तो घर वाले कहते हैं कुछ नहीं, इनो पिलो, गैस हो गई होगी, और फिर पता लगता है हार्ट अटैक हो गया। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर साथ कोई कोल्ड वॉर अगर आपका चल रहा है तो उसे समाप्त करिए। संडे को फंडे मनाइए, एंजॉय करिए। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश, इसीलिए हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखें। सोशल लेवल पर सडनली आपकी पोस्ट बवाल मचा सकती है। कुछ आपको शेयर, कमेंट, जो भी चाहिए वो सब कुछ अच्छे मिल सकते हैं। आज फैशन, पैशन, हॉबीज को अपनाकर आपके अंदर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। आपको अपने रूटीन काम को करने के लिए अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया और क्रिएटिव राइटिंग, एनिमेशन, मल्टीमीडिया या यूं कहें कि फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट से जुड़े लोगों के लिए या जो राइटर्स हैं उनको अपनी स्किल को और बेहतर करना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए। आप इस पर ध्यान दीजिए, मजा आ जाएगा। 8 अगस्त हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर आप किसी नेत्रहीन दिव्यांग को उनके काम की चीजें भेंट करिए। साथ ही किसी गरीब परिवार में जाकर उनको भोजन के लिए अन्न दान दीजिए, उनके काम की चीजें दान करिए, बहुत पुण्य मिलेगा। लकी कलर सिल्वर, नंबर 6 शुभ रहेंगे। मकर राशि, बिजनेस में आएगी तेजी। आज आपके जो भी काम है उसे आप टाइम पर पूरा करिए, समय रहते ऑफिस निकलिए, प्रोडक्शन जहां पर है, प्रोडक्टिव काम जहां हो सकता है वहीं पर रहिए, फालतू जगह पर मत घूमिए। बिजनेस में आ रही प्रॉब्लम दूर होंगी और स्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में जरूर आएगी। आत्मसम्मान और विश्वास भी बढ़ जाएगा। वर्क प्लेस पर आपके काम को देखते हुए आपको कुछ नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। बिजनेस विस्तार में आपकी प्लानिंग बढ़ जाएगी। सेहत के मामले में सितारे आपके पक्ष में रहेंगे। फैमिली में सभी के साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग हो सकती है। आज आपका मन कुछ बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करने का, चाहे वो रिश्ते हो या सामान हो, मन जरूर करेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में कुछ स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन जैसी नौबत आ सकती है, इसलिए अपने पार्टनर में सिर्फ अच्छी चीजें देखिए। डिप्रेशन से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप स्वयं पर विश्वास करने लग जाएं। BA, LLB और LLM की पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए पॉजिटिव दिन है। आज जो लोग HR यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनको ग्रुप डिस्कशन से बड़ा लाभ मिलेगा। 8 अगस्त हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर शनिदेव की पूजा करना फलदायी साबित होता है।
इसके साथ ही हरियाली तीज पर शमी का पौधा लगाकर भी आप लाभ कमा सकते हैं। और 7 अलग अलग तरह के पौधे लगाइए, उन्हें सींचिए, बहुत पुण्य मिलेगा। लकी कलर ग्रीन। नंबर 5 शुभ रहेंगे कुंभ राशि। खर्च और कर्ज को कैसे कम किया जाए, सेविंग कैसे की जाए, पैसे से पैसा कमाया कैसे जाए, इस पर विचार करिए। जो लोग स्वीट्स का बिजनेस करते हैं, मिठाइयां, बेकरी का बिजनेस करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, होटल चलाते हैं, कैफे चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, उन लोगों को आज अच्छा मुनाफा होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बीच कुछ सरप्राइज गिफ्ट का आदान प्रदान हो सकता है, एक अच्छी मीटिंग हो सकती है। वर्कलोड पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके कंधे अभी उतने मजबूत नहीं है 2-3 लोगों का आप वर्कलोड ले सकें। इसलिए स्मार्ट स्टडी करें, स्मार्ट वर्क करें, मजा आ जाएगा। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी आपका साथ देने के लिए मजबूर हो जाए। सेहत को लेकर आप योग, प्राणायाम, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स का साथ दीजिए, आज का दिन बहुत खुशनुमा हो जाएगा। फैमिली में आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपके लिए बहुत शानदार काम करेगी। स्टूडेंट्स ऑनलाइन गेमिंग में बिजी रहेंगे, सोशल मीडिया पर बिजी रहेंगे और अपनी ही पढ़ाई का नुकसान कर बैठेंगे। बिजनेस विद प्लेजर होगा ट्रेवल में, इसलिए परिवार के साथ एंजॉय करिए, स्पिरिचुअल यात्रा आज हो सकती है। 8 अगस्त हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर नदी के किनारे अगर आप रहते हैं तो आप वहां पर पेड़ पौधे लगाएं। नदी में कम से कम 2 नारियल प्रवाहित करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही किसी शनि मंदिर के बाहर शमी का पौधा लगाना, गरीबों को भोजन करवाना बहुत पुण्य का काम करवाएगा। लकी कलर क्रीम। नंबर 4 शुभ रहेंगे मीन राशि। आज एक अच्छा स्टूडेंट आपको बनना है, हर चीज को सीखने का प्रयास करें, वो जो आपने कभी सोचा था कि यार कभी टाइम मिलेगा तो करेंगे, टाइम आज है, सीखिए। जो आपको नहीं आता उसे सीखिए। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करने में लोगों को नए इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। स्टार्टअप के लिए आज प्रोजेक्ट तैयार है, कुछ स्पेशल जरूर करेगा। वर्क प्लेस पर आप अपने असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट करें, इसलिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करें। सोशल लेवल पर राजनीतिक पोस्ट से दूरी बनाकर रखें, किसी की व्यक्तिगत जिंदगी पर टिक्का टिप्पणी करना गलत साबित होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आपकी मीठी वाणी कड़वाहट को दूर करेगी। फैमिली से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। सेहत के मामले में कुछ परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। हर मनुष्य अपने स्वास्थ्य का स्वयं ही लेखक होता है। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ संडे को फंडे बनाने का पूरा मौका मिलेगा, चूकिएगा मत। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए आज का दिन बहुत कुछ स्पेशल देने वाला है। 8 अगस्त हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर शिवलिंग पर शहद चढ़ाने और चींटियों को शक्कर, तेल, तेल, आटा, खोपरे का पाउडर मिक्स करके दान देना शुभ फलदायक रहेगा। लकी कलर येलो। नंबर 4 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि नर्मदा नदी में जो पत्थर है वो हर पत्थर शिवलिंग क्यों है। भगवान शिव के भक्तों के लिए श्रावण एक ऐसा महीना है जिसमें वो भोले के रंग में रंग जाते हैं। इसका उल्लेख नर्मदा पुराण में लिखा गया है, किया गया है। नर्मदा से निकला हर कंकड़ भगवान शिव का प्रतीक है। नर्मदा से निकले शिवलिंग को नर्मदेश्वर भी कहा जाता है। नर्मदा से निकलने वाले पत्थर शिवलिंग के आकार के होते हैं। पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि चूंकि नर्मदा भगवान शिव की पुत्री है, इसलिए नर्मदा में ही शिवलिंग निर्मित होते हैं। देश की अन्य नदियों में मिलने वाले पत्थर पिंड के रूप में नहीं मिलते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि केवल नर्मदा नदी पर ही शिव कृपा है। यह घर में भी स्थापित किए जाने वाला पवित्र और चमत्कारिक शिवलिंग है, जिसकी पूजा अत्यंत फलदायी। यह साक्षात शिव स्वरूप सिद्ध व स्वयंभू शिवलिंग है। मिट्टी या पाषाण से करोड़ गुना अधिक फल स्वर्ण निर्मित शिवलिंग के पूजन से मिलता है। सोने से बने हुए शिवलिंग पर जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो कई करोड़ गुना आपको फल मिलता है। प्रिय साथियों, इसलिए श्रावण मास में आप जो भी शिवलिंग आपके पास उपलब्ध है जरूर बिल्व पत्र रोज अर्पित करें। प्रिय साथियों, अब एक सवाल के साथ आप लोगों को छोड़े जाता हूं। सोमवार को ही क्यों मनाया जाता है भगवान शिव का दिन? आप इसको रिसर्च करें, मैं इसका जवाब कल कार्यक्रम के अंत में दूंगा। स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहकर दिन गुजारिए। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।